और दोस्तों कैसे हो आप सब, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी एक लैपटॉप लेना चाहते हैं और आपका बजट 15,000 से 30,000 के बीच है तो आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसे लैपटॉप जिसे आप 15,000 से 30,000 के बीच के प्राइस रेंज में ले सकते हो। तो आप यह वीडियो देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो पहला जो यहाँ पर लैपटॉप है वह HP का 245G6 है। जी हाँ, ये जो लैपटॉप है ये अमेजोन पर आपको मिलता है 16,800 रुपए में और इसके साथ आपको आता है APU का डुअल कोर A9 प्रोसेसर, साथ में आती है 4GB रैम, एक 14 इंच की स्क्रीन और एक TV की HDD हार्ड डिस्क। ये एक DOS लैपटॉप है जिसका वेट 1.85 kg है। इस लैपटॉप में 3 USB पोर्ट दिए गए हैं जिसमें से 2 USB पोर्ट लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ है। साथ में एक VGA पोर्ट भी दिया गया है। बात करें टच पैड की तो इसके साथ आपको मल्टी गेस्चर टच पैड मिल जाता है, मतलब कि आप इस पर एक साथ 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो बैटरी दी गई है वो ली ऑन बैटरी है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 4 घंटे तक चलती है। और स्क्रीन जो है वो HD LED बैक लाइट डिस्प्ले वाला स्क्रीन है और अंदर जो है ब्लूटूथ 4.1 दिया गया है। ऊपर एक छोटा सा वेबकैम है और कूलिंग के लिए वेंटिलेशन को लेफ्ट साइड में रखा गया है। राइट साइड में SD कार्ड लगाने के लिए पोर्ट भी दिया गया है और इस लैपटॉप के साथ आपको जो है डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिलता है और ना ही आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इस लैपटॉप के साथ आता है। कीबोर्ड पर नोमेडिक पैड भी नहीं है। ओवरऑल इस प्राइस के साथ ये एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह जो लैपटॉप है यह हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं है। आप जो है इसका यूज जो है सिर्फ रोजमर्रा के कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोस देखना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब कामों के लिए जो है आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं। अब आते हैं अगले लैपटॉप पर, तो ये है लिनोवो का V145 लैपटॉप। दोस्तों ये भी एक जो है DOS लैपटॉप है और ये इसकी जो अमेजन पर प्राइस है वो है 17,490 रुपये। और इस लैपटॉप के साथ आपको AMD का डुअल कोर A6925 प्रोसेसर दिया जाता है। बात करें स्क्रीन साइज की तो यहाँ पे आपको HP 245G6 से बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। HP 245G6 की स्क्रीन 14 इंच की ही थी जबकि इसकी स्क्रीन आपको 15.6 इंच की मिल जाती है। लिनोवो V145 में 4GB रैम और 1TB की स्टोरेज दी गई है। बैटरी जो है वो 4 सेल की लियोन बैटरी है जो एक बार चार्ज होने पर 4 घंटे तक चलेगी। कूलिंग के लिए वेंटिलेशन को लैपटॉप के नीचे रखा गया है। इसका जो वेट है वो 2.1 kg है और इस डिस्प्ले की बात करें तो इसके साथ आपको HD LED बैकलाइट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पोर्ट की, तो यहाँ आपको 3.0 की 2 USB पोर्ट, एक HD कार्ड रीडर पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक माइक्रोफोन जैक पोर्ट मिल जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इस लैपटॉप के साथ आता है और टच पैड जो है वो मल्टी गेस्चर टच पैड है। ऊपर जो है एक छोटा सा वेबकैम भी दिया गया है, लेकिन यहाँ आपको डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा। अंदर ब्लूटूथ 4.1 और डुअल स्पीकर दिया गया है। तो अगर आप इस प्राइस के साथ कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। अब आते हैं अगले लैपटॉप पर, तो ये आसुस का वीवो 14X 409 UAE के 3410। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये अमेजोन पर इसकी प्राइस रखी गई है 27,990 रुपये। बात करें प्रोसेसर की तो इसमें इंटेल का कोर i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया है, साथ में 4GB रैम और 1TB के स्टोरेज इसके साथ आती है। डिस्प्ले जो है वो 14 इंच की फुल HD LED बैकलाइट एंटी ग्लॉर डिस्प्ले जो है इसमें आपको मिलता है और अंदर ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है और डुअल स्पीकर इसके अंदर है। यहाँ आपको फुल साइज में चॉकलेटी कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। टच पैड मल्टी गेस्चर सपोर्टेड है और यहाँ आपको 2 USB पोर्ट 2.0, 1 USB पोर्ट 3.1 टाइप सी और 1 USB पोर्ट 3.1 टाइप ए मिल जाता है। साथ में एक कॉम्बो ऑडियो जैक, एक HDMI केबल, HDMI 4.1 जैक और एक माइक्रोफोन HD कार्ड रीडर इसके साथ आपको मिलता है। ये लैपटॉप भी एक CD ड्राइव के साथ नहीं आता है, लेकिन यहाँ आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और वेबकैम तो है ही। कूलिंग के लिए जो है वेंटिलेशन को लेफ्ट साइड में रखा गया है। बैटरी जो है वो 2 सेल की लियो आयन बैटरी है जिसे आप 5 घंटे तक आराम से चला सकते हैं।
तो इस तीनों लैपटॉप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन तीनों में से किसी लैपटॉप को अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। तो ये थे तीन लैपटॉप जिसे आप इन प्राइस रेंज में ले सकते हो। अगर आपका बजट इस प्राइस रेंज के बीच है तो आप जो है इन तीनों में से कोई लैपटॉप ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।